देश में लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों ने चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। वहीं सियासी बयानबाजी का भी सिलसिला जारी है, लेकिन मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन दो बड़े नेताओं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के दो महीने के अंदर जेल जाने के बाद कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको मजबूती दिलाने के लिए जेल में बंद दोनों सीएम की पत्नियों ने सियासी मोर्चा संभाल लिया है। जेल में बंद बड़े नेताओं की पत्नियों का सियासी मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। बिहार में लालू यादव, यूपी में गायत्री प्रजापति और आजम खान जैसे कई परिवार को पत्नी के कमान संभालने का फायदा मिल चुका है। कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। दोनों ही पत्नियां अपने पतियों के जेल जाने के बाद केंद्र पर हमलावर हैं। INDIA के शक्ति प्रदर्शन में मोदी सरकार पर खूब बरसी कल्पना सोरेन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार को सुनाई खरी खरी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं। न्यायिक हिरासत के तहत उन्हें रांची जेल में रखा गया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हो गई। मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की मेगा रैली का आयोजन हुआ था, तब इस मेगा रैली में कल्पना सोरेन भी पहुंची थी। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन INDIA के शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी पर खूब बरसी। उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, आने वाला चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। हेमंत सोरेन ने गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया है। महिलाओं, आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने का काम किया है। मोदी सरकार को घेरते हुए कल्पना ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ लड़ने के कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। जोहार। आज इस मंच पे इंडिया जो आप देख सकते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरा यहाँ समागम है। विभिन्न विभिन्न लोग विचारों, उम्मीदों, आशाओं के साथ जुड़ा ये हमारा इंडिया है। और यहाँ आए सभी जन सैलाब जो हमारे सामने बैठे हैं, धूप में, जो अब रात हो चुकी है, और इतनी कड़ी मेहनत जो हम लोगों को मिलती है, आज यहाँ मंच पे आसीन जितने मान्यगण हैं, वो आपके द्वारा चुने जाते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को कि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद आने वाले चुनावों में अपने भविष्य को, अगर आपको चिंता है तो उसको बदल करके दिखाइए, क्योंकि सामने में जो तानाशाही शक्ति खड़ी है वो आपके अधिकारों और हक का हनन करने के लिए खड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी लोगों को खरीद कर यहां की सरकार तोड़ी गई, लेकिन झारखंड में हमारे महागठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर उस शक्ति को दिखाया कि जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए, झारखंड की सरकार को हिला नहीं पाई है। चेहरा बदल गया है। चंपई चाचा जी यहाँ बैठे हैं, हेमंत जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों से जितनी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें महिलाओं, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग सबके लिए योजनाएं हैं, और आज उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी, चंपई चाचा जी अग्रसर हैं, उसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। जिस षड्यंत्र से आज मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं, उनका नाम जुड़ने वाला है। कल्पना जमीन पर भी काफी सक्रिय हैं और संथाल परगना में घूम घूम कर लोगों से जन समर्थन जुटा रही हैं।
माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ाने की भी तैयारी पार्टी के भीतर हो रही है। कल्पना गांडे सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। ये सीट हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले खाली करवा दी थी। कल्पना को आगे लाने के पीछे का मुख्य मकसद संथाल परगना में जेएमएम वोटरों को इमोशनली साधना है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को फोन कर हिम्मत दी। कल्पना सोरेन ने कहा, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी सामान्य बात नहीं है, वो भी तब जब देश में आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। ऐसे में लोकतांत्रिक देश में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की घटना सामान्य नहीं है। संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने जनता को दिया सीएम का संदेश। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद को कोर्ट ने 6 दिनों के लिए कस्टडी में भेजा है। चुनाव के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को सकते में ला दिया है। केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक ईडी की गिरफ्त में रहते हैं तो उनकी पत्नी पार्टी के लिए कैंपेन कर सकती है। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर पिछली बार भी सुनीता ने कैंपेन किया था। इतना ही नहीं, अरविंद को जब ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुनीता ने केंद्र को निशाने पर लिया। इसके अलावा सुनीता ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश भी देशवासियों के लिए पढ़ा। सियासी मायनों में देखा जाए तो जेल में बंद पति के लिए पत्नियों का मैदान में कूदना सियासी मायने में सबसे मुफीद माना जाता है। इसकी बड़ी वजह सिंपैथी वोटर्स होते हैं। पत्नियों के सियासी मैदान में कूदने से राजनेताओं के सियासी विरासत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। विरासत में सेंधमारी का भी डर नहीं रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।